हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी ठीक होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले स्प्लेंडर प्रो एंड स्प्लेंडर प्लस के बारे में। देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, इंडियन मार्केट में आज भी हीरो जो है ना गाइस सबसे ज़्यादा बाइक बेचता है। जी हाँ दोस्तों, हीरो आज भी सबसे ज़्यादा बाइक सेल करता है इंडियन मार्केट में, क्योंकि हीरो की जो बाइक्स है गाइस बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और लोग इस बाइक को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बहुत दिनों से आप लोगों को पूछ रहे थे मुझसे कि भाई इस बाइक में फीचर्स कब आएंगे, बाइक में कोई चेंजेस नहीं होता, बाइक में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क कब आएगा, डिस्क ब्रेकिंग कब आएगी स्प्लेंडर प्लस में, हम लोगों को भी बताइए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों यही बात करने वाले हैं और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं स्प्लेंडर के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सके। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस के बारे में। और उन लोगों का भाई थैंक यू जिन लोग स्प्लेंडर को स्प्लेंडर बोलते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आज भी उसको स्प्लेंडर बोलते हैं, तो उनके लिए थैंक यू। सो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे, सबसे पहले डिस्क प्लेट वाला क्या मैटर है। गाइस देखिए मैं आपको बता दूं, इंडियन मार्केट में बहुत दिनों से बाइक आ रही है लेकिन अभी तक आप लोगों को डिस्क वाला ऑप्शन खासकर इनकी 100cc बाइक्स में, हीरो की बाइक्स में नहीं आया। देखिए गाइस आज इंडियन मार्केट में ब्रेकिंग ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है पॉपुलेशन कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, रोड में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, तो वहाँ पे हमारी ब्रेकिंग होना अच्छी बेटर रखता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द आप लोगों को स्प्लेंडर प्लस में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों डिस्क ब्रेक आपको बाइक में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से फ्रंट जो प्लेट रहेगी वो लगभग 240mm से 250mm के आसपास की साइज हो सकती है। रियर में आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिलेगा। सेकेंड चेंजेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि बाइक में आपको थोड़ा सा डिजिटल मीटर ऑप्शन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अभी तक फिलहाल आप लोगों को बाइक में फुली एनालॉग मीटर देखने को मिला है गाइस, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा मीटर है, पर थोड़ा सा अपग्रेड किया जा सकता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही राइडर 125 आई है जो कि TFT डिस्प्ले के साथ में आई है और पता है आपको काफ़ी अच्छी लगती है। सो गाइस मैं आपको बता दूँ, इस बाइक में आप लोगों को थोड़ा सा डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, जैसे मिल सकता है जैसे कि फ्यूल हो गया, क्लॉक हो गया, ऑडोमीटर हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें इसमें ऐड की जाएगी। थर्ड चेंजेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो है बाइक के लाइट्स। अब दोस्तों यहाँ पे लाइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा चांसेस बन चुके हैं कि स्प्लेंडर में भी आप लोगों को LED लाइट देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों LED लाइट देखने को मिल सकता है। देखिए इसमें आप लोगों को ना ऑप्शन दिया जाएगा, अगर आप चाहें तो LED वाली ले सकते हैं, जिसमें आपको मान लीजिए 2500 से 3000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, और आप चाहें तो फिर थोड़ी सस्ती वाली ले सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि हम कौन सी परचेज कर रहे हैं। देखिए अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि बाइक को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली बात है भाई एक ही बाइक बार बार हीरो बना रहा है तो थोड़े से चेंजेस की ज़रूरत होती है, और ऑब्वियसली बात है कि हर चीज़ों को टाइम से चेंज करना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आने वाले समय में और भी चेंजेस होंगे तो बाइक पर थोड़ा सा मार्केट पकड़ के रखेगी। आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे तो ये भी कोई सेंस नहीं होता। हो सकता है कि अभी अगर आपकी बाइक भी टॉप सेलिंग में है, और हो सकता है कि अगर आप लोग कुछ चेंजेस करते हैं, नए फीचर्स लाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है भाई बाइक की सेलिंग और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। मेस्ट्रो में इतने सारे फीचर्स आ गए, इनकी और बाइक में इतने सारे फीचर्स आ गए, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा हुआ नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से ऐसा किया जा सकता है, नॉर्मल स्प्लेंडर आप बेच रहे हो वो भी बेचो, साथ में दोस्तों कुछ फीचर्स वाले स्प्लेंडर भी उतारना चाहिए इंडियन मार्केट में, जिसमें डिस्क प्लेट हो गया, नया स्पीडोमीटर हो गया, तो हो सकता है कि जिनको जो पसंद है वो बाइक ले लेंगे, और यहाँ से यहाँ हीरो वालों को ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारी जो न्यू बाइक है उसकी सेलिंग कैसी है, और वो बाइक फ्लॉप हो रही है या फिर हिट हो रही है। देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस बन चुके हैं बाइक का, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क प्लेट, बाइक में आप लोगों को नया स्पीडोमीटर जिसमें थोड़ा सा डिजिटल हो सकता है, साथ में आप लोगों को न्यू LED लाइट देखने को मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों बात करें नेक्स्ट चेंजेस के बारे में, तो कहा जा रहा है दोस्तों बाइक में आपको जो सस्पेंशन मिलने वाले इस बार वो थोड़े और बेटर सस्पेंशन मिलेंगे। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि स्प्लेंडर के जो सस्पेंशन हाल फिलहाल जो आ रहे हैं, मतलब मेरे को सुनने में आ रहा है कि 2020 और 2021 में जो वेरियंट आया ना उसमें थोड़ा सा इशू आया है रियर सस्पेंशन में खासकर, तो कहा जा रहा है कि इसको भी थोड़ा सा अपग्रेड करके थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश की जाएगी हीरो की तरफ से। और ऑब्वियसली बात है गाइस हीरो एक ऐसा ब्रांड है ना भाई, इसकी जो इंजन क्वालिटी होती है, रिफाइनमेंट होती है ना, बहुत ज़्यादा बेटर होती है। ये बाइक बिल्कुल भी आप कह सकते हो ना, मतलब बिल्कुल भी ना के बराबर मेंटेनेंस मांगती है ये बाइक की खास
खास बात यही है, इसलिए लोग इस बाइक को और ज़्यादा पसंद करते हैं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये बाइक आप लोगों को बहुत जल्द अपडेट होकर मिलने वाली, हीरो की तरफ से जो आपको न्यू डिस्क्वाली मॉडल है वो तो जल्द मिलेगी, ये तो 110% कन्फर्म हो चुका है। देखते हैं दोस्तों कब तक इंडियन मार्केट में इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा। और दोस्तों बात करें प्राइस के बारे में, तो दोस्तों जो डिस्क्वाली रहेगी वो नॉर्मल स्प्लेंडर जो अभी हाल फिलहाल जहाँ तक मुझे पता है जो आती है उसका प्राइस लगभग दोस्तों आप लोगों को 64,000 रुपीज़ एक्सटर्नल प्राइस और 80,000 रुपीज़ के आसपास की ऑन रोड आती है। बेस मॉडल बता रहा हूँ ना मैं, बेस मॉडल, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें टॉप वेरिएंट के बारे में, तो जो भी 100 मिलियन एडिशन वाली आई थी वो लगभग 70,000 रुपीज़ एक्सटर्नल प्राइस और 82,000 रुपीज़ के आसपास की ऑन रोड प्राइस पड़ रही थी, जो कि सेल्फ के साथ में आती है। और इसमें दोस्तों आप लोगों को जो डिस्क्वाली मिलेगी वो लगभग 85,000 रुपीज़ के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। लॉन्च डेट के बारे में बात करें दोस्तों, तो लगभग ये बाइक को नेक्स्ट ईयर फेब मंथ के हिसाब से लॉन्च किया जा सकता है। सुमित करते हैं आप लोगों को आज की इंटरेस्टिंग वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लेना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज़ अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।